भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश की सीमाओं पर भारत की 130 करोड़ जनता की सुरक्षा करने वाले प्रथम पंक्ति के सीमा सुरक्षा बल के सभी जवानों को हम कोटा की धरती पर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज इस ऐतिहासिक धरती पर सीमा सुरक्षा बल के जवान, महिला सैनिकों का आप अदम्य साहस और शौर्य को देखेंगे। मैं यहां पधारे सभी देशभक्त लोगों का, भाइयों और बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सीमा सुरक्षा बल भारत की सीमाओं पर, चाहे पाकिस्तान की सीमा हो, चाहे अन्य सीमा हो, उन सीमाओं पर जहां हिमालय की पहाड़ियां हो, तपती धरती रेगिस्तान हो, चाहे वह जंगल हो, वहां पर हमारे सैनिक इस देश की जनता की सुरक्षा के लिए हमेशा अग्रिम पंक्ति पर खड़े रहकर सुरक्षा करने का काम करते हैं। आप जब इन सीमा के जवानों पर कौन सुरक्षा कर्मियों को जब आप देखेंगे कि किस तरीके से लोंगे वाली पोस्ट पर जहां 50 डिग्री टेम्परेचर रहता है, वहां पर वह पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सीमा पर सुरक्षा कर भारत सुरक्षित रहे, इसके लिए संकल्पित होकर काम करते हैं। चाहे हिमालय की पहाड़ियां हो, जंगली इलाके हो, मैंने खुद ने देखा है कि जिस परिस्थितियों के अंदर ये हमारी रक्षा करते हैं, निश्चित रूप से भारत की जनता उनको नमन करती है। साथियों, सीमा सुरक्षा बल सीमाओं पर तो सुरक्षा करता ही है, लेकिन कोई आपदा, कोई संकट, विपदा आती है तो आंतरिक सुरक्षा का काम भी करता है। और इसीलिए इन जवानों ने अपने अदम्य साहस, शौर्य, वीरता से पूरी देश की जनता का दिल जीता है। और आज आप देखेंगे किस तरीके से, चाहे जवान हो, चाहे महिला जवान हो, किस तरीके से अदम्य साहस से अपने शौर्य को दिखाकर आपको एक नई प्रेरणा देने का काम करेंगी। मेरे नौजवान साथी, जब आज इस साहसिक कार्य को देखेंगे तो उनमें भी नई प्रेरणा आएगी, नई जागृति आएगी, ताकि हम इस भारत की माटी के लिए, देश के सर्वोच्च सुरक्षा के लिए, देश की सर्वोच्च सेवा के लिए हमेशा इसी तरीके से कटिबद्ध होकर सेवा करते रहे और भारत माँ का मस्तक हमेशा ऊंचा रहे। मैं पुनः सीमा सुरक्षा बल के इन जवानों को आज कोटा की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और वह इसी तरीके से कठिन परिस्थितियों के अंदर भी भारत की जनता की सुरक्षा करते रहेंगे। पुनः सीमा सुरक्षा बल के सभी जवानों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन।